कथित जासूसी की कांड की जांच की मांग को लेकर आज जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई चल रही थी वो सोमवार तक के लिए टाल दी गई है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या शिकायत की कॉपी सरकार को दे दी गई है। इसके बाद केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि हाँ कॉपी मिल गई है, उसे पढ़ा जा रहा है, अभी सरकार के निर्देश का इंतजार है। इसके बाद सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी गई है। निपुण सहगल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निपुण, सोमवार तक के लिए टाल दी गई है लेकिन मामले की सरकार ने कोशिश की थी कि शुक्रवार को ही लग जाए। जी नहीं विकास, शुक्रवार को कोशिश नहीं की थी सरकार ने। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा था कि हमें कुछ कॉपियां तो कल ही मिली हैं और एक कॉपी तो अभी मिलनी भी बाकी है, तो ढंग से हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, कम से कम हमें शुक्रवार तक का समय दे दीजिए। ऐसे में उम्मीद थी कि शुक्रवार को लगेगा मामला, लेकिन शुक्रवार को चीफ जस्टिस को कुछ व्यक्तिगत समस्या थी जिसकी वजह से वो सुनवाई नहीं कर सकते थे, तो चीफ जस्टिस ने समय दिया है सोमवार का। जी, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब सरकार के को जो नोटिस दिया गया है उसको सोमवार तक को जवाब देना है। विकास, मैं करेक्शन करना चाहूंगा, नोटिस नहीं हुआ है सरकार को, सोमवार को यही तय होगा कि नोटिस औपचारिक रूप से हो या नहीं हो। ये एक अनौपचारिक तरीके से जवाब मांगा गया है क्योंकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये कहा था कि आरोप तो गंभीर है लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं है याचिकाकर्ताओं के पास। ऐसे में हम सरकार को जरूर सुनना चाहेंगे पहले, तब हम तय करेंगे कि आगे नोटिस जारी करना है, पूरी तरह से सुनवाई करनी है या क्या कदम उठाया जाना है। तो सोमवार को सरकार का रुख देखने के बाद, जवाब देखने के बाद, जहां निश्चित रूप से सरकार वो बातें बताएगी जो संसद को बताई गई है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने या किसी भी मंत्रालय ने एनएसओ से कोई सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर नहीं खरीदा है, ऐसी जानकारी मिलने के बाद कोर्ट क्या औपचारिक नोटिस जारी करेगा और लिखित रूप से ये बातें देने को कहेगा या मामले को उस समय के लिए। जी निपुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। निपुण सहगल सुप्रीम कोर्ट से जानकारी दे रहे हैं कि सोमवार तक के लिए फिलहाल सुनवाई टाल दी गई है। सरकार के जवाब को सुनने के बाद फिर अब कोर्ट तय करेगा सोमवार को कि सरकार को औपचारिक रूप से नोटिस देना है या नहीं देना। ABP News, आपको रखे आगे।